अस्सलाम वालेकुम बच्चों बच्चों क्लास सिक्स है, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर टू मुकम्मल आदाद। टॉपिक का नेम है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर वन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मश्क नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर वन। मुबादला और तलाजम के कवानीन की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे मुबादला का कानून क्या होता है और तलाजम का कानून क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो होता क्या है असल में। तो इसमें जो हमारा पॉइंट नंबर वन है बच्चों वो ये है, ये इसमें देखें बराबर के इस साइड पर ये वाली रकम है और बराबर के दूसरी साइड पर ये है, ये लेफ़्ट साइड पर है और ये राइट साइड पर है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पर देखें इसमें दो रकमें दी हुई हैं, एक तो 14 है प्लस 9 है, ठीक है। लेकिन 9 की जगह पे ना, 9 की जगह पे हमें कुछ भी नहीं दिया होगा, ये खाली बॉक्स होगा 9 की जगह पे, ठीक है, खाली बॉक्स होगा। और इसमें हमने अब वैल्यू लगानी होगी। वैल्यू हमने लगानी किस तरह से है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 14 को आप लोगों ने कह देना है नंबर वन, ठीक है, और 9 को कह देना है नंबर टू, ठीक है, 9 को क्या कह देना है नंबर टू। और बराबर के दूसरी साइड पर जो पहला नंबर है उसको वन बोल दें और जो दूसरा नंबर है उसको टू बोल दें, ठीक है, टू। अब देखें जो ये वाला 9 वाली जगह है ये बिल्कुल खाली होगी, ठीक है, इसका हमें नहीं पता होगा। तो इसमें हम वैसे ही इसको ये देखेंगे कि ये पहली रकम यानी कि 1 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 2, ठीक है। तो 1 जो है पहली रकम, यानी कि 1 का मतलब है पहली रकम, पहली रकम बराबर के दूसरी साइड पर दी हुई है। तो हम यहाँ से इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देंगे, ठीक है, बराबर के दूसरी साइड पर। यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, देखें 14 प्लस 1 यानी कि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, लेकिन दूसरा नंबर यहाँ पे खाली होगा, हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा बराबर, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये हम बराबर के दूसरी साइड पर देखेंगे, ठीक है। तो देखें ज़रा, 1 प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि पहली रकम जमा दूसरी रकम, बराबर के दूसरी साइड पर ये काम उलट जाएगा, जो दूसरे नंबर पर है वो पहले नंबर पर आ जाएगी और जो दूसरे नंबर पर है वो यहाँ पे पहले नंबर पर आ जाएगी, इस तरह से। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 14। तो यहाँ पे बच्चों कौन सी रकम आनी है, यहाँ पे 9 आना है, हम यहाँ से देख के बता देंगे, ठीक है, यहाँ से देख के ईजिली हम इसको बता सकते हैं कि यहाँ पे 9 आना है। तो 9 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। इस तरह जो है पार्ट नंबर टू को देखें, पार्ट नंबर टू को, ठीक है, इसमें देखें, इसमें बच्चों, और ये मैं आप लोगों को बता दूं जो हमने पहले अभी क्वेश्चन किया है ना, ये एक खासियत मुबादला होती है जमा की, इसमें कौन सी अलामत इस्तेमाल हो रही है, देखो यहाँ भी जमा है और यहाँ भी जमा है, ठीक है, जमा। तो ये है कौन सी, दो रकमों वाली है ना, ठीक है, तो दो रकमों वाली या फिर तीन रकमों वाली भी ये हो सकती है, जब दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी ना बच्चों, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे ये खासियत मुबादला है, ठीक है, जमा की, ये खासियत मुबादला है जमा की, दोनों साइडें इसमें बराबर आएंगे। देखो 14 में 9 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, नहीं नहीं 23 आएगा, इस तरह 9 में 14 ऐड करेंगे तो फिर भी 23 ही आएगा, दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, ये खासियत मुबादला है बच्चों। अब नीचे वाला देखें आप लोग, नीचे वाला ये वाला 1 प्लस 4 प्लस 2, लेकिन यहाँ पे ये जो 4 वाला बॉक्स है ये खाली होगा, इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया होगा, यहाँ पे हमने क्या लिखना है ये देखें, इसको मैं बोल देता हूँ नंबर 1, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम नंबर 2 और इसको बोल देते हैं नंबर 3, इस तरह बराबर के दूसरी साइड पर इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इनको नंबर्स दे दिए बच्चों। अब देखें यहाँ पे 4 हमारे पास खाली है ना, और ये दूसरे नंबर पर पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू देखने के लिए हम बराबर के दूसरी साइड पर देखेंगे कि दूसरे नंबर पर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरे नंबर पर 4 है तो हम यहाँ भी दूसरे नंबर पर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे बच्चों, ठीक है। इस तरह अब बराबर के दूसरी साइड पर ये जो है बॉक्स, ये पहला बॉक्स है ये खाली होगा, ठीक है, ये वाला बॉक्स, ये वाला, इसकी वैल्यू हम कहाँ से लगाएंगे, ये फर्स्ट नंबर पर है ना बराबर के, ये फर्स्ट नंबर पर पड़ी हुई है वैल्यू, तो बराबर के दूसरी साइड पर फर्स्ट नंबर पे देखें कौन सी वैल्यू, 1 है तो यहाँ भी 1 ही आएगा बच्चों, ठीक है, हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, बाकी वैल्यूज हमें वैसे दी हुई हैं, हमने सिर्फ खाली बॉक्सेस जो है ना, ठीक है, वो हमने इनमें वैल्यूज़ लगानी है।
इस तरह जो है आप देखें पॉइंट नंबर थ्री को, देखें पॉइंट नंबर थ्री को, पॉइंट नंबर थ्री को हम देख रहे हैं इसमें दोनों बॉक्सेस खाली हैं, ठीक है, पहले दो बॉक्सेस, तो हम इसको बच्चों बोल देते हैं वन, इसको बोल देते हैं वन, इसको बोल देते हैं हम टू, और इसको बोल देते हैं हम इस वाले को थ्री, ठीक है। इस तरह बराबर के दूसरी साइड पर पहली रकम को वन, दूसरी रकम को टू बोलेंगे और तीसरी रकम को हम थ्री बोलेंगे, ठीक है। अब देखें इधर, आप पहले दो नंबर यहाँ से मिस हैं बराबर के इस साइड पर, ठीक है, तो पहला नंबर बराबर के दूसरी साइड पर देखें पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, वन है, तो यहाँ भी वन हम लगा देंगे। इस तरह दूसरे नंबर पर देखें बराबर के दूसरी साइड पर क्या लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम थ्री लगा देंगे, ठीक है। अब इस साइड पर आ जाएं, एक ये बॉक्स भी है जो खाली है, ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पर है, तो बराबर के इस साइड पर देखें क्या है, फाइव लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर, तो हम यहाँ पे फाइव लगा देंगे बच्चों, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने सारी वैल्यूज जो हैं ये फिल कर लेनी है बच्चों। अब इनमें जो दो नंबरों वाले हैं, ये देखें इसमें दो नंबर्स हैं, पहले में 14 + 9 = 9 + 14, तो इनको बच्चों हम बोलेंगे खासियत मुबादला जमा की खासियत मुबादला, ठीक है। और जो तीन नंबरों वाले हैं वो जमा की खासियत तलाजम होगी। तीन नंबरों वाले हैं वो भी कभी कभी मुबादला में हम उसको चेंज कर सकते हैं, वो कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल आप लोगों ने ये ऐसे इन लोगों को इन क्वेश्चन को फिल कर लेना, ठीक है। अब बुक से हम पेज नंबर देखते हैं कि बुक से जो है हमने ये जो काम किया है पेज नंबर कितना है बुक से, देखें जी पेज नंबर 22 है बुक से, और एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने आज सारा कर लिया है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।